गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस ओप्पो F15 की, जो कि भाई 16 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। और ये मेरे पास 8GB 128GB वाला वेरिएंट है। इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, तो भाई वीडियो के एंड तक आप जरूर से जरूर इसमें बने रहिएगा। तो चलिए हम फटाफट से इसके डब्बे को ओपन करेंगे। इधर भी ओप्पो लिखा है, इस साइड भी ओप्पो लिखा है। और याद रखिएगा कि ये एक इंडियन वेरिएंट नहीं है, एक रशियन वेरिएंट है। इस कारण ये कुछ आपको डिफरेंट बॉक्स दिख रहा है, और इंडिया में आएगा तो थोड़ा डिफरेंट बॉक्स हो जाएगा। और ये रशियन वेरिएंट है। और उसके बाद अब मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, इसकी लीड को। लीड को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको कुछ कवर और डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं, जिनका कि हमें कोई काम नहीं है। तो इस कारण अभी हम इसको इस साइड को रख देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे फ़ोन मिल जाता है, मेन फ़ोन को अभी हम निकाल लेते हैं इधर से। ये मैंने मेन फ़ोन को निकाल लिया है, और फ़ोन कुछ इस प्रकार का, काफ़ी कम माल का है। और आप जैसे कि देख सकते हो बैक साइड कुछ इस प्रकार की। उसके बाद हमको एक टाइप सी डेटा केबल हमको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमको एक वूक चार्जर मिलता है, जो कि वूक 3.0 है, मतलब 20 वॉट का चार्जर। और रशिया में कुछ इस प्रकार का आपको मिलता है, नहीं तो इंडिया में आपको स्क्वायर शेप में मिल जाता है। तो भाई थोड़ा सा डिफरेंट तो आएगा ही ना भाई, रशियन वेरिएंट है तो। और भाई कुछ यही थे बॉक्स के कंटेंट्स, और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेन आ जाते हैं फोन में। तो फोन में हमको फ्रंट साइड में 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि काफी कमाल की। और जिन लोगों को लगता है मेरी हर एक वीडियो कॉपी रहती है, उनके लिए मैंने वॉलपेपर में अपना लोगो लगा दिया है। और इसमें हमको प्लस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि काफी फास्ट है और थोड़ा सा मुझे स्लो लगा, मतलब ठीक ठाक सा है, एवरेजली परफॉर्म करता है। और भाई हर समय ओपन करता है, बहुत ही एक्यूरेट इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। प्लस बात रही फ्रंट साइड की कैमरा की, तो यहाँ पे हमको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बात रही रियर साइड की, तो यहाँ पे हमको ग्लास तो नहीं लेकिन पॉलीकार्बोनेट का बैक मिल जाता है, जिसमें हमको 48 8+2+2 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमराज मिल जाते हैं। मेरे पास इसमें ब्लू कलर का है। और यार यहाँ पे हमको 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। और बात रही इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है मेड का हीलियो P70 प्रोसेसर, जो कि यार ओप्पो के F11 में भी यूज हो चुका है, फिर भी पता नहीं क्यों इसे ओप्पो अगेन यूज कर रहा है। आपको तो पता है कि ये ऑफलाइन टारगेटेड रहती है। और ये जो फोन है 17,000 से 20,000 के बीच में इंडिया में लॉन्च होने वाला, कंफर्म प्राइसिंग अभी नहीं है इसकी। 8GB 128GB आने वाला है। बाय द वे आपको कैसा लग रहा है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस फोन के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाय द वे मुझे तो अच्छा लगा फोन, आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। होप यू लाइक दिस वीडियो। टाटा बाय बाय। Thank you.